नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कई फूल और फल औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। इनके गुणों की वजह से इन्हें डाइट में शामिल करने की सलाह दी जाती है और इनसे कई बीमारियों से भी बचा जा सकता है। सदाबहार का फूल ऐसा ही है। ये फूल आपको घर, बगीचे, कहीं भी आसानी से मिल जाएगा। ये औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इनके पत्तों, छाल और फूलों में कई ऐसे तत्व हैं जिनका इस्तेमाल कई बीमारियों के इलाज में किया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर आप रोज सुबह खाली पेट इस फूल की पत्तियों को चबाएंगे तो आपको बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर ये सदाबहार कैसे हमारे शरीर के अलग अलग बीमारियों में फायदे पहुंचाता है। सदाबहार के फूल की पत्तियाँ औषधीय गुणों से भरपूर होती है। इसे आयुर्वेद में सदापूसा भी कहा जाता है। सदाबहार की जड़ में इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ता है। इससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने में मदद मिलती है। इसे डाइट में शामिल करने से डायबिटीज़ और सांस रिलेटेड बीमारियाँ दूर होती है। इसके फूल और पत्तियाँ डायबिटीज़ को मैनेज करने में मदद करती है। इसमें एल्कालाइड पाया जाता है जो इंसुलिन के निर्माण में फ़ायदेमंद होता है। इसका इस्तेमाल कई आयुर्वेदिक औषधियों को बनाने में भी किया जाता है। इससे इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है और इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। चलिए जानते हैं कि आखिर हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने का तरीका है, आप इसे खाली पेट पत्तियों को चबा सकते हैं। इसकी चाय या फिर इसके जड़ों का पाउडर भी बना सकते हैं। आप इनकी जड़ों से बनने वाले पाउडर को सुबह खाली पेट गुनगुने के साथ ले सकते हैं। आप सुबह के वक्त सदाबहार की पत्तियों का रस भी पी सकते हैं। ये यूँ तो पूरी तरह से नेचुरल है, लेकिन फिर भी इसे डाइट में शामिल करने से पहले आप एक बार थोड़ा सा इसे इस्तेमाल करके देख लें कि कहीं ये आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। अगर आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए, तब आप इसका इस्तेमाल बेफिक्र कीजिए। तो दोस्तों, यह थे कुछ सदाबहार के फायदे। आपको जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।